प्रारंभ करने से पहले आदतन मेरा एक सवाल होता है और सवाल का जवाब पूरे वीडियो के अंत तक में स्वतः मिल जाती है। और मेरा सवाल है सीधा सा कि भूकंप कैसे होता है और रिक्टर स्केल क्या है। सवाल फिर से दोहरा दूं, भूकंप कैसे होता है और रिक्टर स्केल क्या है। इस प्रश्न का जवाब वीडियो के अंत तक देखने पर, आप वीडियो को अंत तक देखें और आपका जवाब स्वतः। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं? आज का पुनः वर्ग अष्टम से विज्ञान से दूसरा चैप्टर त्वरित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप, यह एक चैप्टर है। दूसरा चैप्टर, इसका पहला वीडियो मैंने पिछले दिन बनाया था जिसमें त्वरित के बारे में चर्चा किया था। आज भूकंप पे मेरा रहेगा फोकस, उसके बारे में बात करूंगा, उसमें हमें सहयोगी की जरूरत पड़ेगी। तो आज मेरे दोनों पुत्र, ये बड़े और ये छोटे, ये दोनों पुत्र हमारे सहयोगी के रूप में कुछ करके दिखाएंगे, सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो अपना परिचय दें। हाय, आई एम कुमार आदित्य। आप भी? थैंक हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज कुमार आदित्य। यू। तो आज हम कुछ बोलने से पहले सर्वप्रथम भूकंप से बचाव का पहले वो हम कुछ करके दिखा देते हैं। इसके बाद पूर्व का बना वीडियो मेरा सुरक्षित शनिवार में चलता रहता है, तो पूर्व के वीडियो में से मॉक ड्रिल यानी झूठ मूठ का वह नकल करना, भूकंप से बचने का सामना करना, उपाय करना, उसके लिए कुछ वीडियो बने हुए हैं, मैं उसे भी ऐड करूंगा। उसके बाद भूकंप के इतिहास के बारे में, भूकंप के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो फिलहाल चलते हैं मॉक ड्रिल से पहले बच्चों के द्वारा मैं कुछ एक्शन करवाऊंगा। पहला, यह जब हम देखते हैं कि भूकंप की स्थिति में दीवार के किनारे छुपने की जब स्थिति होती है, हम किसी कमरे में हों, क्लासरूम में हों, तो हम दीवार के किनारे जाके इस अवस्था में जाके हम बैठते हैं। इसके साथ ही हम यह देखेंगे कि अगर टेबल, बेंच, कुर्सी कुछ भी है, उसके नीचे घुस के हम अपने सिर का बचाव करेंगे और प्रयास रहेंगे पुनः दीवार के किनारे ही हम हों। तो एक्शन नंबर दो, चले। इस तरह हम अपना सिर का बचाव करेंगे। सिर का बचाव करते हुए और हमारे पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो, किताब हो या कुछ भी हो, कुर्सी, टेबल, उसके नीचे अपने सिर को ढक के छुपाएंगे, अपने शरीर को छुपाएंगे। और बाहर में अगर कुर्सी टेबल नहीं भी हो रहा है तो किताब है, कुछ भी है, हम अपने सिर को ढकने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं कुछ भी है तो उस परिस्थिति में हम सिर को हाथों से ढककर बचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। कुछ बचाव के तरीके, लेकिन मैं कहा कि कुछ दिन पहले सुरक्षित शनिवार के तहत मैंने विद्यालय में ही, अपने विद्यालय में ही भूकंप के मॉक ड्रिल का कुछ वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को मैं ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं आपको अंत में भूकंप के बारे में, उसके इतिहास के बारे में और भूकंप को मापने का जो स्केल होता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। कितना देर तक आपको इंतजार करना है और अपने सिर को बचाना है? Thank you.
भूकंप के खतरा से बचने के लिए हमें अभी जो मॉक ड्रिल से थोड़ा दिखाए वह तो करना ही चाहिए था, लेकिन ज्यों ही भूकंप थोड़ा स्थिर हो आप तुरंत मकान से धीरे धीरे निकलकर कम से कम खुले जगह पर 150 मीटर दूर में अपने आप को सुरक्षित रखें। वहां पहुंचकर परिवार के अन्य सदस्य की गिनती जरूर करें और वहां से देखें अगर कोई कम हो रहे हैं, कोई सदस्य घट रहे हैं, तुरंत पता लगाएं कि मकान में कहीं वो दबे तो नहीं है और आप वहां जाके पुनः तुरंत उनका बचाव राहत करें। ध्यान रहे बाहर अगर जो खड़े हैं, खुले जगह पे खड़े हैं, ऊपर बिजली का तार वो देखना होगा, उसके नीचे नहीं रहना है, पेड़ से दूर रहना पड़ेगा, यानी खुले जगह अगर जगह उपलब्ध हो तो कम से कम 150 मीटर दूर मकान वृक्ष से दूर पे जाके अपने आप को खड़े करें और बचाव में अगर कोई घायल हो तो आप उन्हें त्वरित नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेके जाएं। आपने वीडियो में मॉक ड्रिल देखा और मॉक ड्रिल के बाद पुनः अब मैं भूकंप के इतिहास के बारे में आ जाएं। पहले भूकंप की परिभाषा मैं ले लूं कि भूकंप पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी को अचानक कांपने या थरथराने को भूकंप कहते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहेंगे
कि भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है, पर हमेशा महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका रिक्टर स्केल अगर कम हो तो हमें महसूस कम होती है। इस पृथ्वी के परत कई टुकड़ों में विभाजित होते हैं जो प्लेट कहलाते हैं। पृथ्वी के नीचे कई टुकड़ों में परत विभाजित होते हैं जो प्लेट कहलाते हैं, और वही प्लेट लगातार धीरे धीरे ही सही लगातार गतिमान होते हैं इसके कारण से, और कभी कभी ज्वालामुखी फूटते हैं, उससे लावा निकलते हैं तो नीचे जगह खाली होते हैं, जगह बनता है तो वहाँ पे वो प्लेट रीएडजस्ट होते हैं जिसके कारण से वो हिलते हैं, और प्लेट का हिलना इसी के कारण ऊपरी परत पे जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं वहाँ पे कंपन महसूस होती है, और वही कंपन भूकंप के रूप में होती है, और उसका अगर रिक्टर स्केल पर ज्यादा होता है तो वह एक विनाशकारी होता है। इसको दूसरे शब्दों में पुनः अगर मैं कहूं कि दो प्लेट आपस में रगड़ कर या टकराने के कारण भूपरपटी में विक्षोभ उत्पन्न होती है, और यही विक्षोभ पृथ्वी के सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देती है। प्लेट के अनुसार हम एरिया को, इस क्षेत्र को 5 जोन में बांटे हैं। पहला जो कम खतरनाक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और सबसे अति खतरनाक क्षेत्र 5वां होता है, और हमारा बिहार 3रे, 4थे और 5वें जोन में है। जो बांटा गया है खतरनाक जोन, उसमें से 3रा, 4था, 5वां औसतन खतरनाक क्षेत्र में, खतरनाक जोन में हमारा बिहार पूरा अवस्थित है। तो हमें भूकंप के बारे में विशेष जानना, सुरक्षा का उपाय समझना, जानना निहायत जरूरी होती है। इसके लिए सरकार पूरे बिहार में सुरक्षित शनिवार के रूप में मनाते हैं, और प्रत्येक शनिवार इन सभी खतरों के बारे में बच्चों को बताया जाता है ताकि आगे चलकर समाज सुदृढ़ हो इस मामले में कि खतरा आए तो उससे होने वाले हानि को हम कम से कम कर सके। अब सवाल का अंतिम पहलू है कि रिक्टर क्या है। रिक्टर यह भूकंप की थरथराहट को मापने का यंत्र होता है कि कितने पैमाने पर यह भूकंप आई। तो भूकंप मापी यंत्र को हम सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र को हम सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। इसको रिक्टर पैमाना यानी स्केल पर मापते हैं। रिक्टर स्केल पर हम मापते हैं। जो मापने की क्षमता होती है पहले 1 से 7 थी, अब 1 से 9 तक होती है, और इस रिक्टर स्केल को चार्ल्स रिक्टर साहब ने 1970 ईस्वी में रिक्टर पैमाना बनाया, अपने नाम ही दिए उस स्केल को मापने के लिए, जिसको हम रिक्टर पैमाना बोलते हैं या उसको पूरा कहते हैं रिक्टर परिमाण परीक्षण। रिक्टर परिमाण परीक्षण, यह रिक्टर से 1 से 9 तक हम माप सकते हैं। और यह एक सबसे बड़ी बात है कि भूकंप के बारे में आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो हमें यह बता सके, पूर्व आभास दिला सके कि भूकंप आने वाली है। तो अब साधारण सी बात है कि भूकंप आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। अगर यह जानकारी हो तो भूकंप से खतरा कम किया जा सकता है, निश्चित होती है। भूकंप से ज्यादा हमें खतरा नहीं है, भूकंप के बाद जो हानि होती है
उससे जान माल की क्षति होती है। अगर बचाव का उपाय है तो बेहतर से बेहतर तरीके से हम खतरे से निकल सकते। कुछ आंकड़े हैं, 1974 में बिहार में विनाशकारी भूकंप आया हुआ था, 1990 में, 2001 में गुजरात में, 2011 में पुनः बिहार में भूकंप आई हुई थी। ये भूकंप अगर एक रिक्टर स्केल पर हो तो हमें महसूस नहीं होती है, दो तक महसूस नहीं होती है, तीन तक हल्का महसूस होता है, चार अगर हो तो हमें घर से निकलने की नौबत आती है, पांच हो तो मकान गिरने का, दरार पड़ने का होता है स्थिति होती है, छह रिक्टर पैमाने पे हो तो मकान प्लेन होने की अवस्था आ जाती है कि सारे मकान गिर सकते हैं, छह सात हो तो गड्ढे पृथ्वी धरती फटने का चांसेज हो जाता है, आगे की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। इसे हम केवल बचाव से ही कर सकते हैं। तो आज का यह अध्याय ये दो वीडियो के अंदर समाहित हो गया और अगला अध्याय मेरा पुनः अगले वीडियो में रहेगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू।